हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका जो Xiaomi का Redmi Note 8 फोन है उसको रूट करें मैजिक मैनेजर के थ्रू। किसी भी फोन को रूट करने के लिए आपको अपने फोन का बूटलोडर अनलॉक करना चाहिए और सेकंड उसके अंदर कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। Redmi Note 8 के इन दोनों वीडियो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उन दोनों का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कैसे आप बूटलोडर अनलॉक करेंगे और कैसे TWRP को इंस्टॉल करेंगे। तो रूटिंग करने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। रूट करने के बाद जो है आप अपने फ़ोन के अंदर डॉल्बी को इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप को डार्क मोड पे कर सकते हैं और काफ़ी सारे मॉडल्स को इंस्टॉल करके काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस रूटिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 8। ये मेथड जो है सभी Xiaomi फ़ोन पर काम करता है। रूट की फाइल एक ही होती है, बस कस्टम रिकवरी जो है सभी फोन से अलग होती है। तो अगर आपके फोन के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है देन उसके बाद आपका फोन रूट होता है, तो रूट करने के लिए एक ही फाइल चाहिए होती है। तो पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं कि हमारा फोन जो है रूटेड है कि नहीं है। उसके लिए एक एप्लीकेशन आती है रूट चेकर के नाम से, तो पहले हम उसको रन करते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये वो ऐप है, इसको हम रन करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस Redmi Note 8 एंड्रॉइड वर्जन 9। तो अब आपको रूट करने के लिए सिर्फ एक zip फाइल चाहिए जिसको आप अपने फोन के अंदर सेव कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस zip फाइल का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वो zip फाइल है। देखिए ये वो zip फाइल है Magic Swordzen 20.1 zip, जो कि अराउंड 5.48 MB की है। इस zip फाइल को आपने सेव कर लेना है। उसके बाद अपनी सेटिंग्स में जाइए, अबाउट फोन पर जाइए, सिस्टम अपडेट पर आपने जाना है। ये जो MIUI 11 का लोगो है इस पर 7 से 8 बार टैप कीजिए। फिर आपको जो मेनू है उसके अंदर आपको रिबूट टू रिकवरी मोड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप उस पर टैप करेंगे। अब आपका फोन जो है रिकवरी मोड पे बूट करेगा। हम इसके अंदर जो है कस्टम रिकवरी यूज कर रहे हैं। आपकी जो स्टॉक रिकवरी होती है मी रिकवरी, उसके थ्रू आप कोई भी फाइल को फ्लैश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए फोन का बूट लोडर अनलॉक होना और उसके अंदर कस्टम रिकवरी का इंस्टॉल होना जरूरी होता है। तो अब देखिए हमारा फोन जो है कस्टम TWRP रिकवरी जो है उसके ऊपर बूट कर चुका है। अब सिंपली आपने क्या करना है, आप ये जो ऊपर इंस्टॉल का ऑप्शन देख पा रहे हैं इस पर टैप करना है। आपको उस फाइल को सर्च करना है Magic Swordzen 20.1 और स्वाइप टू फ्लैश। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है ये zip फाइल जो है आपके फ़ोन के अंदर जो है कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश हो जाएगी और अब आपके फ़ोन को जो है रूट की परमिशन मिल चुकी होगी। तो ये देख पा रहे हैं फाइल फ्लैश हो रही है। जैसे ये फाइल फ्लैश हो जाती है सिर्फ हमको अपने फ़ोन को रीबूट करना है और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन जो है रूट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए रीबूट सिस्टम कर देते हैं हम और थोड़ा सा वेट करते हैं इसको रीबूट होने का। तो फाइनली फ़ोन जो है रीबूट हो चुका है और मैजिक मैनेजर जो है हमारे फ़ोन के अंदर जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चेक करते हैं रूट चेकर के थ्रू कि फ़ोन जो है रूट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए रूट चेकर की एप्लीकेशन से हम फिर से लॉन्च करते हैं एंड वेरीफाई रूट। तो ये देखिए अब मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस Redmi Note 8 एंड्रॉइड वर्जन 9। तो इस तरीके से आप जो है अपने Redmi Note 8 को जो है रूट कर सकते हैं मैजिक मैनेजर के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये रूटिंग का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।